चुनाव होने वाले हैं जम्मू और कश्मीर में, आप कैंपेन करना शुरू कर दिया है, परिवारवाद का नाश हो रहा है इस बार? पार्टी बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है इस समय, और जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। फिर हरियाणा में तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, पहलवान नौजवान पहले लोग कहते, 5 साल के बाद ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में लोग कहते थे एंटी इनकम्बेंसी है, सीटें कम हो जाएंगी, ये हो जाएगा, नहीं गवर्नमेंट बनेगी। फिर 10 साल के बाद आप देखे, फिर से तीसरी बार हम लोग गवर्नमेंट बनाने में कामयाब रहे, एनडीए की गवर्नमेंट हमारी बन गई, शानदार तरीके से चल रही है, और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हम प्राप्त करके रहेंगे। तो हरियाणा में क्या उम्मीद? इस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और हरियाणा में उम्मीद करें? उम्मीद क्यों करेंगे, आश्वस्त रहिए, सरकार बनेगी। अब एक छोटा सवाल सर, जाते जाते जो अभी बड़ा ज्वलंत समस्या है दिल्ली की, वो है केजरीवाल साहब इस्तीफा देने जा रहे हैं। हाँ। क्या कहना है आपका? वो तो मजबूरी में कर रहे हैं, नहीं रंच मात्र भी यदि नैतिकता होती ना, जैसे आदरणीय आडवाणी जी के ऊपर एक छोटा सा आरोप लगा था, आरोप लगते ही उन्होंने संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था, और ये कहा था जब तक मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा तब तक संसद की सदस्यता स्वीकार नहीं करूंगा। यह होती है नैतिकता, यह होता है चरित्र। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, ना आप सिग्नेचर बना सकते हैं, ना ऑफिस में बैठ सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, क्या करेंगे? तो उनका तो कहना है कि अब ज्यादा जोश में आएंगे और पार्टी उनको दिल्ली की जनता जिता कर भेजेगी। कितने मॉरली भाई कहने को, ख्याली पुलाव पकाने दीजिए, उससे कौन रोक सकता है? राजनीति आखिरी सवाल, 100 दिन पर ही पूरा करना चाहूंगा, 100 दिन पूरे हो गए, लक्ष्य क्या है अब आने वाले दिनों में? राहुल गांधी कहते हैं लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाना है। News18 India चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ News18 India चौपाल देखिए सिर्फ News18 India पर।